आदे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली हर हर महादेव। आज इस अमरावती नगरी में इस अपार जनसमूह को देख करके यह लगता है कि यह नवनीत राणा और रवि राणा का जो भक्ति है, जो प्रयास है, जिसके कारण यहाँ इतनी विशाल जनसमूह उपस्थित है, यह आश्चर्यजनक है, आश्चर्यजनक की स्थिति है। और श्री ऐसे शिवपुराण के वाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज, जिसने अपनी कथा के माध्यम से जन जन में शंकर और घर घर शंकर को पहुंचा दिया, प्रत्येक व्यक्तियों में शंकर जी विराजमान हो गए हैं। उनकी कथा ऐसी विलक्षण कथा उन्होंने कहा है, जिसे हमें थोड़े समय में सुनने को मिला। यदि पूरी कथा जिसने सुना होगा वह अपने आप में धन्य हो गया होगा। इसलिए यह कथा जिस प्रकार से हुई वो अपने आप में विलक्षण है, और उसी विलक्षणा का प्रमाण यह जो जनता उभर करके यहाँ आई है, यहाँ से लेकर के इतनी दूर तक, इसको देख करके लगता है कि यह भक्ति की भावना नवनीत राणा के और रवि राणा जी की है। मैं नवनीत राणा जी का पार्लियामेंट में सुनता था तो मैं सोचता था कि शायद यह भाजपा की हैं, लेकिन पता में पता चला भाजपा की नहीं है, अरे तो निर्दलीय है। तब लगा, और विपक्षी लोग सुनते थे इनकी बात को सुन करके कि भाजपा में जाने वाली है, और तभी इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की गुणगान करती है, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री के उसी कार्यों की प्रशंसा करती है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होता था, और ऐसे नहीं कि बिना मतलब के उनकी प्रशंसा होती थी। वास्तविकता में बैरी जितने भी विपक्षी रहे वो सब सन रह गए, समय बीत गया, लेकिन अपने स्थान पर रह करके अपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उपस्थित होकर नवनीत राणा ने जो कार्य पार्लियामेंट में किया है, जो प्रश्न उत्तर दिया है, वह आज पत्थर का लकीर बन करके उपस्थित है। मैं केवल उसको सुन करके यह मेरी जिज्ञासा होती थी कि ऐसी बेटी नवनीत राणा को से कब मैं मिल पाऊंगा, ये अयोध्या आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं, लेकिन ऐसा हमको निमंत्रण मिला इसमें जो मुझे आना पड़ा, और बहुत इन लोगों का जो स्नेह जो प्रेम और विशेषकर हमारे अरविंद जी का प्रयास रहा, और अरविंद उपाध्याय जी का जो यहाँ से वहाँ तक ये तार जोड़ते रहे सबके साथ में, यह भी बहुत प्रसन्नता की बात है। और यहाँ हनुमान अयोध्या में हनुमान जी राजा के रूप में हैं, और राजा के रूप में रह करके भगवान स्वयं उनको कहा था कि हनुमान जी से कि जावत मत कथा लोके प्रचलित पावनी तावत बस्याम मेदन्या मम अज्ञानुपालयन, जब तक मेरी कथा राम राम का धुनी होती रहे दुनिया में कहीं भी, तब तक अयोध्या में राजा के रूप में रह करके उस सारे जैसे एक प्रजा की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार से सारी दुनिया की रक्षा करते रहना। इस प्रकार से हनुमान जी अयोध्या में राजा के रूप में है, और यहाँ पर भी हनुमानगढ़ी बन रहा है, और ये हनुमानगढ़ी यह बजरंग बली का जो रूस है वो है राजा और विश्व के राजा, और यहाँ के हनुमान जी विश्व के रक्षक होंगे और सारे संसार की जनता का रक्षक करेंगे। यह रक्षा करने वाले हनुमान जी जब इनकी प्रतिमा
बन करके तैयार हो जाएगी और उसका उद्घाटन होगा। यदि उनकी कृपा रही हनुमान जी की, राम जी की, तो मैं फिर आने का प्रयास करूंगा और इन लोगों, आप लोगों का दर्शन और इस प्रकार के कार्यक्रम देखने के लगे बहुत आश्चर्यजनक लगा। और ये जो वैसी कथा होती है, पैसे पर कथा होती है तो इतनी भीड़ नहीं होती, ये हृदय के उद्गार से कथा हुई है और हृदय के उद्गार देना है। यह किसका है? यह नवनीत राणा का और रवि राणा की देन है। और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। यह इतनी जनता को बटोर कर और इतनी सुंदर कथा कह करके सबको विभोर कर दिया है और सब में यह शंकरमय हो गए हैं, शंकर के प्रति सबकी आस्था। और जैसा मैं कहा हूँ, जन जन प्रत्येक व्यक्ति में शंकर जी विराजमान हो गए हैं और प्रत्येक घर में शंकर जी विराजमान हो गए हैं। और क्योंकि समय बहुत हो गया है, मैं सभी को आशीर्वाद रामलला जी की देते हुए और यह भी नवनीत राणा को ये भी मैं आशीर्वाद देता हूँ, ऐसे आत्मबल आपको करें जो इससे भी विलक्षण काम आप करती रहें और जिससे कि नारी जगत को ये शिक्षा मिला कि एक नारी क्या कर सकती है और कुछ भी कर सकती है और उसमें इतनी शक्ति है। जब सारे संसार की सृष्टि रच सकती है तो उसके अलावा और कुछ भी कर सकती है। इसलिए नवनीत राणा रवि राणा जी को मैं शुभकामनाएं शुभ आशीर्वाद देता हूं और सारी उपस्थित जनता को आशीर्वाद रामलला जी की ओर से देता हूं कि सब सुखी से रहें, आनंद से रहें, सबका कल्याण होता रहे और यह इस कथा के माध्यम से अपने हृदय में उस भगवान को शंकर जी को ले जाए। कि शंकर क्या है? जो हमारे यहाँ रामायण की कथा होती, रच महेश निज मानस राखा अपाय सुसमय शिवा संभाका, अरे उसकी रचना किसने पहले किया? रामचरित की रचना पहले भगवान शिव ने किया था और अपने मन में रख करके स्वयं पार्वती जी को सुनाया था। और मैं समझता हूँ कि वही कथा आज किस रूप में प्रचलित है और किस प्रकार से रामचरितमानस पूजित है। आज उनके चरित पर जिस प्रकार के भगवान श्री राम के चरित है, आज का नवयुवक उनके चरित का अनुसरण करें तो हमारी यह पूरी देश धन्य में हो जाएगा। और सभी जो रोजगारी बेरोजगारी ये दुनिया भर की बातें कर रहे हैं वो सब समाप्त होगी। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म सुनें सुरनीति, बैर न कर कहो सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। मैं इसी रूप में आशीर्वाद देते हूँ, सब लोग अपने अपने धर्म की रक्षा करें और एक मेल बना करके चलें। संगे शक्ति कलौ जगे, कलयुग में संघ में शक्ति है सब जग बना करके, और किस प्रकार से देश का उत्थान होता है, देश का कल्याण होता है उस पर चिंतन करें और देश का हित हो, देश का कल्याण हो तो आपका हमारा भी कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ रामलला जी की ओर से सभी की आशीर्वाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। बोल बजरंगावली की। ऐसे नहीं, ऐसे गदा बनाओ। हनुमान जी के चरण में बैठे हो, नाम हनुमानगढ़ ही है तो गदा तो बननी चाहिए ना। बोल बजरंगावली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। बहुत बहुत साधुवाद भाई प्यारे रवि राणा जी और नवनीत राणा जी। वाह क्या बात है। इस अपाल विशाल जनसमूह को देखकर इतनी प्रसन्नता हो रही है, जितना कहें उतना कम है। पूज्य महाराज जी प्रदीप मिश्रा जी के इतने शुभचिंतक हैं, इतने समर्थक हैं कि रास्ते में लमसम 5 किलोमीटर से लोग पैदल आ रहे हैं। जितने आप लोग बैठे हो उतने रास्ते में, अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि महाराज जी इतना और मतलब ये हमने कहा कई बजे से कई बजे तक कथा है, उन्होंने कहा महाराज जी 4 बजे समाप्त हो जाएगा। पूज्य मान धर्मदास जी बैठे हैं तो हमने कहा तो अब तो समाप्त होने वाला है, भीड़ अभी जा रही। कहीं ना प्रदीप मिश्रा जी कितना स्नेह है भक्तों के ऊपर, भक्त उनको बिना देखे रह ही नहीं सकते। इसके नाते भले कथा न सुन पाए लेकिन उन तक जरूर पहुंचेंगे, बड़े गर्व की बात है। मैं आभार व्यक्त करता हूं
सनातनी हिंदू शेरनी प्यारी बहना का। प्यारी बहना, जैसे महाराज जी ने कहा कि सदन में जब वो भाषण देती थी तो उसकी भाषण को मैं सुनता था। आप समझो, महाराज जी का उम्र लमसम 90 वर्ष है और लगातार इनको कोई मतलब नहीं समाज से रहता है। ठाकुर जी की सेवा में एकदम नित्य प्रतिदिन समर्पित रहते हैं, फिर भी इस बहन की भाषण सदन में क्या बोल रही है ये कौन कर सकता? साधु ही कर सकता है। जो भी व्यक्ति समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए करेगा, उसकी चिंता और चिंतन संत जरूर करेंगे। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है इसका। और आभार व्यक्त करता हूं रवि जी का। रवि जी ने कहा कि महाराज जी मैं बोल दूं क्या एक बात? हमने कहा बहुत बहुत आभार। आप समझो, जो राम का नहीं, जो हनुमान जी का नहीं, ये आप कह रहे हो, हम नहीं कह रहे। हम कहेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा, इसलिए बहुत गर्व की बात है। आप समझो, ये आप लोगों की आशीर्वाद की देन है। ये दोनों प्यारे भाई बहन आपके लिए कार्य और काम करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी माध्यम हो गए, हम लोग कहने का अवसर जो मिला, मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रदीप मिश्रा जी का। भाई वो भगवान भोले के कथा के माध्यम से, महाराज जी ने अभी कहा हर घर में भगवान शंकर की भजन स्टार्ट करा दिया। इतना श्रद्धा, इतना विश्वास, भगवान भोले तो कण कण में उनकी व्यापकता तो है ही है, हर जन के मन में भाव भगवान भोले के प्रति तो है ही है, लेकिन जगाने का काम जो प्रदीप मिश्रा जी ने किया है, जहां देखो अपार जनसमूह, लेकिन यहां आने का अवसर जो मिला, मैं प्यारे भाई और बहन को धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार से आप समझो, जब मैं डिबेट कर रहा था, देखा कि भाई को बताओ हनुमान चालीसा, भाई अगर हिंदुस्तान में, इस भारत देश में वंदे मातरम ना बोलें, जय श्री राम ना बोलें, भारत माता की जय ना बोलें, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करें, शिव स्तुति की पाठ नहीं करें, तो क्या करें भाई? टोपी पहनकर वजू करें क्या? ये हो सकता है क्या? नहीं ना, नहीं हो सकता ना। तो बताओ, आपकी प्यारी बहना हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, आपका भाई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, 14 दिन के लिए जेल। कितनी दुर्भाग्य की बात थी। हम लोग लगातार डिबेट में कह रहे थे, चिंता मत करो मेरे प्यारे भाई, कई लोगों से, ये तो जेल में थे, संपर्क नहीं हो पा रही थी, इनके समर्थक थे, मैंने कई बार वार्ता किया, हमने कहा चिंता मत करो, जिसने भी राम जी को छुआ उसकी लंका जल गई, जो भी हनुमान चालीसा पे बैन करने की बात करता है और हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल भेजता है, उसकी लंका जल जाएगी। जल गई ना लंका? जली की नहीं लंका? आप समझो, उसका चुनाव निशान चला गया, पार्टी टूट गई। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन ये बोलना पड़ेगा, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। इसके नाते ये दोनों हिंदू शेर और शेरणी जिस प्रकार से सनातन के लिए लड़ते हैं, भाई महाराष्ट्र में और भी सांसद हैं, महाराष्ट्र में और भी विधायक हैं, इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, उन लोगों ने हनुमान चालीसा का आयोजन क्यों नहीं किया? सिर्फ नमनीत राणा और रवि राणा जी ने क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि इनको धर्म के प्रति निष्ठा है, सनातन के प्रति चेतना है, सनातन के प्रति समर्पित रहने का भाव है, इसके नाते इन्होंने हनुमान चालीसा का आयोजन किया। लेकिन इन कालेमियों ने, खरियंतकारियों ने, विधर्मियों ने इनको जेल पहुंचाने का काम किया। आज वो बेल पर घूम रहे हैं, कल उनको जेल जाना तय है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को छला है, उन्होंने महाराष्ट्र के राम भक्तों के ऊपर कुठाराघात किया है, उसने हनुमान जी के भक्तों को जेल में बंद किया है, उसने हनुमान जी के भक्तों को आतंकवादी वाला कानून लगाकर जेल में डाला था, इसके नाते उसको भी कल जेल में जाना पड़ेगा। अभी विधायक जी कह रहे थे कि महाराज जी आपका संकल्प था, हाँ हमने संकल्प लिया था, जब तक महाराष्ट्र में विधर्मी सरकार का पतन नहीं होगा तब तक मैं महाराष्ट्र नहीं जाऊंगा। जैसे सरकार का पतन हुआ,
अरविंद जी से संपर्क किया और अरविंद जी ने इनके घर शुरुआत मैंने पहले इनके ही किया। पहले जाकर मैंने भाई को आशीर्वाद दिया, बहन को ढूंढा, सदन चल रहा था, बहन हमारी सदन में थी इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। फिर पुनः उन्होंने वार्ता किया उप माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया, फिर उप मुख्यमंत्री जी से मिला गया। कहने का मतलब यह है धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। जैसे हमने परमात्मा को नहीं देखा, प्रदीप मिश्रा जी के रूप में भगवान भोले का दर्शन कर रहे हैं, जैसे हमने महापुरुषों को नहीं देखा, गुरु जी के माध्यम से महापुरुषों का स्मरण कर रहे हैं, हमने भगवान राम और सीता को नहीं देखा, लेकिन आप देखो किस प्रकार से रवि जी ने अपने पत्नी को आगे किया। पहले क्या बोलते हैं, सीताराम। अभी महाराज जी प्रदीप मिश्रा जी कह रहे थे पहले क्या बोलते, राधे श्याम, पहले राधे श्याम, श्याम नहीं बोलते, कृष्ण नहीं बोलते, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम। वैसे रवि जी ने पत्नी को आगे किया, बताओ, अपना विधायक बने, पत्नी को सांसद बनाया है। किस प्रकार से भाव, ये भारत की संस्कृति है, ये संस्कार है। इसके नाते आप सभी से अपील है, निवेदन है कि धर्म की रक्षा के लिए जिस भी देवी देवता को मानते हो जरूर प्रयास करो, जरूर प्रयास करो। सुबह सुबह उठने के बाद अपने बच्चों को स्कूल, भाई हर व्यक्ति की इच्छा होता है, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट हर व्यक्ति चाहता है, जितने लोग हो हर व्यक्ति के मन में भाव होता है अपने बच्चे को पढ़ाकर लिखाकर इंजीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर खूब आगे बढ़ाए, क्योंकि वो जब आगे बढ़ेगा हमारा कुल का नाम रोशन करेगा। तो कभी आपको वृद्धा आश्रम में न जाना पड़े, इसके नाते जरूर अपने बच्चों को संस्कार में प्रयास करो। जैसे आप, जैसे सारी माताएं बैठी है, सारी माँ बैठी है, बताती है बेटा बोलो पापा पापा पापा, वो थोड़ी नहीं जानता है, छोटा नन्ना सा बच्चा है, आप बताती हो बोलो बेटा पापा, क्या ये तुम्हारे पिताजी हैं। वैसे ही प्रयास करो, सुबह उठने के बाद जिस भी देवी देवता को मानो जरूर माता पिता को बच्चा प्रणाम करे, और जो भी स्तुति कर पाए, विनती कर पाए, तिलक लगावे तब वो स्कूल जाए। बहुत बहुत साधुवाद इतने जनता जनार्दन के बीच में पाकर मैं रवि जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आने का जो उद्देश्य था, इस दास का उद्देश्य सफल हुआ। एक मिनट और लूंगा। रवि जी ने कहा कि महाराज जी हनुमान जी की मूर्ति स्थापना करेंगे, वो भी 111 फीट का। हमने कहा क्या बात है, बहुत सुंदर। तो महाराज जी नाम, तो हमने कहा हनुमानगढ़ी, तो हनुमानगढ़ी नाम रखा जा रहा है। और वहां से कलश मिट्टी, सरजू जी का जल, पारब्रह्म परमात्मा भगवान राम की जन्मभूमि की मिट्टी, हनुमानगढ़ी की मिट्टी लेकर, और उस समय में भव्य कार्यक्रम इन्होंने कराया। और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के उप मुख्यमंत्री जी सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए गए थे, और रात में इन्होंने 1 बजे फोन किया। रवि जी ने रात में उप मुख्यमंत्री जी को 1 बजे फोन किया, उन्होंने कहा महाराज जी बात करो, और वो तुरंत वहां पहुंचे इनके कार्यक्रम में, और वहां से रथ को हरी झंडी दिया, और वो रथ, वो मिट्टी, वो कलश लेकर यहां तक आई। तो अगर साधु आपके दरवाजे आता है तो क्या करते हो, प्रणाम करते हो, उसके बाद क्या करते हो, तुम्हारे घर में जो भी रूखा सूखा होता है भोजन कराते हो, जब जाने लगता है तो क्या करते हो, दक्षिणा देते हो ना, हाथ उठा के बोलो दक्षिणा देते हो ना। तो इसीलिए जब यहां पर 111 फीट की मूर्ति है, मैं क्षमा चाहूंगा महाराज जी से भी, प्रदीप मिश्रा जी से भी, और रवि राणा जी से भी, 111 फीट की मूर्ति है, कितना 111, तो 11 रुपया तो बनता ही है ना, कितना, शुभ शुभ 11। नहीं, ये मैं अपने तरफ से कह रहा हूं, आपका भाव नहीं है, आपका भाव एकदम नहीं है, ये साधु दक्षिणा मांगा है, ये इनका नहीं है, न रवि जी का है, ना है ना, न नवनीत जी का है, न रवि जी का है। ये अयोध्या से जो साधु चल के आया है, वो साधु कह रहा है, इसलिए मैं 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट और लूंगा बहन,
अयोध्या में जब राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, अभी आपके बीच में एक तारीख से अक्षत आएगा, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आप लोग के यहाँ अक्षत लेके आएंगे, वो निमंत्रण देने के लिए कि आप लोग को अयोध्या आना है, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की जन्मभूमि का दर्शन करना है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है, आपके महाराष्ट्र के लोगों ने सबसे आगे आकर और बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया था। सबसे पहले आगे की जनता महाराष्ट्र की थी, इस धरती की थी, आपके पूर्वजों ने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया था, इसलिए आपका परम कर्तव्य है अयोध्या आकर और राम जन्मभूमि की आकर और दर्शन करना, मामूली बात नहीं है। इसके नाते आप सभी से अपेक्षा, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं मैं बहन प्यारी नवनीत राणा जी को और रवि राणा जी को, और ढेर सारा आशीर्वाद उनको देता हूं। किनको? लप्पी भैया को। लप्पी भैया को बहुत आशीर्वाद है, हैं तो बहुत सीनियर हैं, लेकिन एक नौजवान से कम नहीं है लप्पी भैया। लप्पी भैया, इन्होंने कहा नहीं महाराज जी, रवि जी और हमारी बहन बहुत व्यस्त है, किसी भी कोने में हो पहुंचना मैं नहीं जानता, और हमारी इनकी बातचीत भी हुई थी, और महाराज जी को लेके आना है। क्यों? क्योंकि भाई आप पारब्रह्म परमात्मा भगवान राम की भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, और उसके मुख्य अर्चक आपके बीच में आवे, और इतना बुजुर्ग हैं कि चार चार पांच पांच लोग लगा है महाराज जी को लाने में, लेकिन महाराज जी ने यह कहा कि नहीं चलेंगे, क्योंकि रवि की बात थी और हमारी प्यारी बहना की बात थी, इसके नाते महाराज जी आए। बहुत बहुत साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूँ पांडे जी के लिए कि पांडे जी को धन्यवाद। पांडे जी किधर है भाई? बहुत बहुत साधुवाद। बोल बजरंग बली की। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे गदा बनाना है, ऐसे बोल बजरंग बली की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो श्री राम जन्मभूमि की, बोलो काशी विश्वनाथ की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कर, और भगवान भोले की आप लोग कथा सुन रहे हो, भगवान भोले का भी मंदिर निर्माण कार्य होने जा रहा है, और मथुरा में भी भगवान कृष्ण की निर्विवादित रूप से मंदिर बनने जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, रवि जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना प्यारी बहना के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।